हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था मंडी का चुनाव भारतीय मजदूर संघ के जिला संगठन मंत्री प्रभुदास सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया गया और 3 साल के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें हेमलता पठानिया को सर्वसहमति से सदर अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष ज्ञान चंद शर्मा, गोपाल सिंह व सचिव पद के लिए भारती वर्मा, नरेंद्र कुमार व कोषाध्यक्ष पद के लिए भारती राणा कुंदन, मुख्य सलाहकार संतोष शर्मा, प्रेस सचिव सोहन सिंह, अन्य कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए। हेमलता पठानिया ने कहा कि मुझे सर्वसहमति से अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं होंगी उनको प्रशासन व सरकार के समक्ष रखकर उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर कई दिव्यांग लोग उपस्थित रहे। हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की 2014 से जो है कार्यवाह समाप्त हुई थी और आज जो है हमारे कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन हुआ है। इसमें मुझे पब्लिक ने जो है दोबारा से एक बार मौका दिया है और मुझे अध्यक्ष पद के लिए फिर से नियुक्त किया है और मैं आश्वासन दिलाती हूँ अपने मंडी जिला के दिव्यांगों को कि जो भी मेरे से काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ काम रह गए हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और आज जो हमारी नई कार्यकारिणी गठित हुई है इसमें काफी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे आगे आए हैं, मैं इनके सहयोग से जो है अपने संस्था के जो भी दिव्यांगों के काम होंगे उनको मैं पूरा करूंगी।